नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव चावड़ा मधुदीप IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। हम आप सबका कल्याण हो यही प्रार्थना करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है PCOD क्या होता है। वीडियो चालू करने से पहले हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9714864644। और मित्रों, हमने कल से ही एक सुविधा आपको फ्री ऑफ चार्ज दी है। हमारे YouTube चैनल पे करीबन 1400 से 1500 वीडियो है जो बच्चे रखने के लिए सब कुछ माहिती आपको शुरुआत से लेके अंत तक, खाने से लेके क्या करना चाहिए, कैसे संबंध रखना चाहिए, IVF क्या होता है, IUI क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ें हमने उसमें दी हुई है। उसमें कुछ वीडियो फ्री थे, कुछ प्रीमियम क्लाइंट के लिए पेड भी थे। तो कल से हमने इस विंटर, इस सर्दियों के लिए हमने ये पूरे वीडियो आपको फ्री ऑफ चार्ज एक इंट्रोडक्टरी ऑफर के लिए हम आपको दे रहे हैं। आपको इसके लिए खाली एक ही चीज करनी है, आपका जो व्हाट्सएप नंबर हो उसमें आपको लिख के भेजना है कि हमको वीडियो की चैनल भेजिए। तो वो 1400 से 1500 वीडियो और प्रीमियम वीडियो जो पेड थे वो भी हम फ्री में पूरे आपको भेजने वाले हैं। तो देर किस बात की, मोबाइल नंबर नोट कीजिए 9714864644। हम आपको ये वीडियो भेजेंगे और वो भी फ्री में। तो चलिए, PCOD क्या होती है। PCOD को पूरा नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो ये इसका पूरा नाम है। कई बार PCOD को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोला जाता है। अब ये जो लंबा लंबा नाम है और जिससे बोलने में मुंह के कुछ लग जाते हैं, उसको सिंपली अगर हिंदी भाषा में समझाओ तो कोई भी लड़की जिसकी उम्र 12 साल से ज़्यादा हो या मेनोपॉज 50 साल की उम्र तक कोई भी लेडीज हो जिसमें माहवारी का प्रॉब्लम हो, माहवारी 3-4 महीने पर आती हो, माहवारी आने के टाइम पर ज़्यादा ब्लीडिंग होता हो, माहवारी बंद नहीं होती हो, बच्चा नहीं होता हो, मुंह पे एक्ने जो पिंपल्स होते हैं वो होते हो, पूरे मुंह पे बाल दाढ़ी जैसा लेडीज में आता हो, पेट का भाग जमरूद की तरह अमरूद की तरह बढ़ जाता हो, ओबेसिटी हो, पूरा ही उसको फैट उसके शरीर में वजन बढ़ जाता हो, बच्चा नहीं रुकता, और एडवांस केस में जिसमें ये तकलीफ के साथ साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन या BP, रक्तचाप, लिपोर करने पे कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड लेवल ज़्यादा आता हो, और कई किस्सों में ट्रीटमेंट नहीं लेने पे उसको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, गर्भाशय की थैली का जो पड़ होता है उसका कैंसर होने की भी शक्यता है। मित्रों, ये वीडियो मैंने कोई डराने या धमकाने के लिए नहीं बनाया है। जो समाज में ये रोग छिपे पे अपने बीच में आके खड़ा हो गया है, ये एक महामारी है। जैसे डायबिटीज BP का भी रोग बहुत बढ़ गया है, उसी कारण उसी प्रकार से ये रोग भी लेडीज में पूरे गुजरात में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक महामारी के तौर पर फैलते जा रहा है। सबसे पहले इसको कैसे हम जानेंगे कि कोई भी लेडीज़ को, कोई भी बच्ची को से लेके 50 साल की उम्र की लेडीज़ को कैसे ये हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि उसका वजन बढ़ने लगा हो, ओबेसिटी जिसका हो, उसका मोटेपन शुरू हो गया हो, मुंह पे बाल आने शुरू हो गए हो लेडीज़ को, मुंह पे जो पिंपल्स होते हैं एक्ने बोलते हैं जिसको, वो हुए हो, पेट का भाग बढ़ गया हो, थापे का भाग, बटक का भाग भी बढ़ गया हो, जिसको आवाज में भी थोड़ा चेंज आ गया हो, पुरुष के जैसा आवाज निकलता हो, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी बच्चा नहीं रुकता हो, मासिक की तकलीफ हो, मासिक ज्यादा टाइम पे आता हो, 2-3 महीने पर बहुत ज्यादा आता हो, या मासिक आता ही नहीं हो, दवाई लेने पे ही मासिक आता हो, और इसके सिवा ब्लड रिपोर्ट कराने पे हार्मोन इम्बेलेंस हो, सोनोग्राफी में ज़्यादा अंडे बनते हो और उसके आजू बाजू चर्बी का पड़ लगा हुआ हो,
और नेकलेस टाइप का जो है वो अपीयरेंस हो, ये सोनोग्राफी का रिपोर्ट होता है। ब्लड रिपोर्ट में हार्मोन डिस्टर्बेंस हो, तो ये सभी जो तकलीफें हैं ये पीसीओडी के नाम से जान जाती है। ये सभी हो तो उसको सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब ये चीजें जब होती हो, जब डॉक्टर के पास जाते हैं आप गायनेकोलॉजिस्ट आईवी कंसल्टेंट के पास, तो सबसे पहले वो हॉर्मोन्स रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में नेकलेस पैटर्न और हॉर्मोन रिपोर्ट में FSH और LH का जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जनरली वो 1:1 होता है, लेकिन इसमें वो LH का रेशियो बढ़ जाता है। तीसरा रिपोर्ट होता है AMH, एंटी मुलेरियन हॉर्मोन, जो भी 2 से ज़्यादा हो तो उसमें भी ये PCOD पैटर्न देखी जाती है। इसके सिवाय कई केस में इनहिबिन, इंसुलिन लेवल, एंड्रोजन लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी देखा जाता है। ये पूरी चीज ट्रीटमेंट के लिए स्टार्टिंग में डॉक्टर मेटफॉर्मिन 5 mg की टेबलेट देते हैं, साथ में आइनोसिटोल और माइनोसिटोल देते हैं। अगर उससे ट्रीटमेंट नहीं होती है तो साथ में क्लोमिफिन साइट्रेट 50 mg और लेट्रोजोल 2.5 mg अपने हिसाब से देते हैं। जरूर पड़ने पे इंजेक्शन FSH भी एड होता है। इससे भी बच्चा नहीं रुके, वो शादी के 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल हो गए हो तो लेप्रोस्कोपिक PCOD ड्रिलिंग हॉल करने की ट्रीटमेंट भी ओवरीज में होती है। उसके बाद फॉलोअप में IUI साथ FSH इंजेक्शन लेकर भी 3-4 ट्रायल देती है। लेकिन मेरे को ये समझाना है, जिसको ये तकलीफ हो उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड 100% सक्सेसफुल जो टेक्नोलॉजी है वो है IVF टेस्ट बेबी। इसमें आप पहले बच्चे के टाइम पे अगर बच्चा नहीं रुकता, ये सब ट्रीटमेंट हो गई हो और आप थक गए हो, तो उसमें FSH रिकॉमेंड ऐड करके आपके बच्चे बना के फ्रीजिंग करके। हाँ मित्रों, ये याद रखिए PCOD में फ्रीजिंग करना जरूरी होता है। फ्रीजिंग करके बच्चा रखने से बच्चा रुक जाता है। इसके सिवा PCOD के IVF के टाइम पे OHSS नहीं होना चाहिए, तो उसका पूरा नाम है ओवेरियन हाइपर स्टिम्युलेशन सिंड्रोम। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो OHSS फ्री क्लिनिक, फ्री डॉक्टर से ये चल रहा है। जब भी आप बच्चे रखने के लिए PCOD के लिए आओ, IVF कराओ, तो आपको जरा भी पेन नहीं हुए या कम डिस्कम्फर्ट हो, ये ध्यान रख के, कोई भी तकलीफ नहीं हुए, OHSS नहीं हुए, इसका ध्यान रख के हमको IVF करना होता है। फ्रीजिंग करना ही होता है, अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, साइड इफेक्ट मोर्टिलिटी मोर्बिलिटी नहीं होती है। तो इसके कारण ये पहला भाग हमने आपको समझाया। अब कैसे खाना है, कैसे इसको निकाल करना है, उसके लिए कल हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जो भाग 2 से हम लोग बोलेंगे। किसी को भी आपको ये तकलीफ हो, आप बताए गए नंबर पे 9714864 फोन करके हमको रूबरू दिखाने के लिए आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।